हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का गठन। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन कैसे हुआ, क्या हुआ और हमारी संविधान की जो नींव है वो किस प्रकार पड़ी, आज हम इस सेशन में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, आज बहुत सारे ईयर्स का जिक्र होने वाला है, डिस्कशन होने वाला है। आपको मेरे शब्दों पर गौर फरमाना होगा कि कब कौन सी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की यही एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको ईयर बहुत ध्यान रखनी है कि कब कौन से ईयर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो आइए चलते हैं। सन 1922 वो पहला साल था जब महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन ये कोई आधिकारिक मांग थी नहीं थी, कांग्रेस ने इसकी मांग नहीं की थी, ये व्यक्तिगत व्यक्ति की एक आकांक्षा थी कि 1922 में उन्होंने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अच्छा, जो आधिकारिक मांग थी, सबसे पहले 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग की थी, ऑफिशियली एक मांग करी थी कि नहीं, हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जिस जो ये डिसाइड करे कि भारतीयों का संविधान कैसे बनेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर 1945 तक चला। ठीक, ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। अब देखिए, जब 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग करी कि नहीं, भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, तो क्या हुआ कि इसे ये जो ये प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो अंग्रेजों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब अंग्रेजों ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, ये भी ध्यान रखिए। क्या हुआ था कि 1939 से विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। अब जब ये विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो ब्रिटेन की शक्ति और बिल्कुल कमज़ोर होने लगी। अब ब्रिटेन को ये लग रहा था कि अब क्या किया जाए, कहीं जापान जो है इंडिया को भी ना ले ले हमसे। तो क्या किया है ब्रिटेन ने, एक चाल चली और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं, हम आपकी मांगों को मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर को आपके पास कुछ प्रस्ताव लेकर भेजते हैं। तो 1942 में ब्रिटेन सरकार ने स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक क्रिप्स एक ऑफिशियल थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स के साथ कुछ प्रस्ताव लेकर उन्होंने को इंडिया भेजा। स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम ध्यान रखिएगा, ईयर ध्यान रखिएगा 1942। तो 1942 में जब स्टेफोर्ड क्रिप्स इंडिया आते हैं और कुछ प्रस्ताव लाते हैं, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स कहते हैं कि नहीं नहीं ये बात बिल्कुल सही है, भारतीयों के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए जिस जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगा। लेकिन क्या 1942 के क्रिप्स मिशन को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्या कांग्रेस के लीडर्स ने एक्सेप्ट किया, नहीं। क्या महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट किया, नहीं। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि क्रिप्स मिशन में साफ साफ बोला गया था कि इन प्रावधानों को हम लोग कब पारित करेंगे, 1945 के बाद, युद्ध के बाद। तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने बोला कि क्यों युद्ध के बाद, क्यों युद्ध के पहले क्यों नहीं। तो इस तरीके से 1942 का जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था वो पारित नहीं हो पाया। अच्छा, इसी दौरान महात्मा गांधी ने इस मिशन को कहा था कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये तो ऐसा लग रहा है किसी भी दिवालिया बैंक का ये एक प्रोजेक्ट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसने ये कहा था कि क्रिप्स मिशन एक दिवालिया बैंक का चेक है, महात्मा गांधी ने। तो चलिए, ये तो बात हो गई क्रिप्स मिशन की, क्रिप्स मिशन पारित नहीं हुआ, हम लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, हमारी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तब ब्रिटेन सरकार को जब ये पता चला कि नहीं, क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया है, तब उन्हों क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1945 में युद्ध खत्म हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन में इटली की सरकार बनती है, इटली प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक कैबिनेट मिशन भेजा। भाई देखिए, मिशन का मतलब होता है ग्रुप और कैबिनेट मतलब होते हैं वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स। तो इटली ने क्या किया, कहा कि हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसे इंडिया भेजते हैं और देखते हैं ये भी कुछ प्रस्ताव पारित करेगी और उसके अकॉर्डिंग भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो अब हमारी जो एग्जैक्ट कहानी है वो स्टार्ट होती है। भाई ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे इटली, उन्होंने कैबिनेट मिशन बनाया, एक समूह बनाया, उस समूह में तीन लोग थे, नाम बहुत ध्यान रखिएगा, कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर।
इन तीन का ग्रुप था जो कि भारत में आया और इसको क्या बोलते थे, कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मिशन कब आई, 1946 में। कितने लोग थे, तीन लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर। अब जब ये मिशन भारत आई तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, भारत में जो संविधान सभा का गठन होगा उसमें सीटों की संख्या 389 रखी जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है, अब आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि मैम 389 ही क्यों, 390 क्यों नहीं, 340 क्यों नहीं, 350 क्यों नहीं, 389 ही क्यों? तो इसका आंसर मैं आपको दे दूं कि जिस समय ये कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत की लगभग जनसंख्या 40 करोड़ थी, ठीक। और कैबिनेट मिशन ने कहा था कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक प्रतिनिधि लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करे। तो एक मोटा मोटा जो आइडिया निकाला गया, तो उस हिसाब से एक आइडिया निकाला गया कि 389 जो सीटों की संख्या है वो जो है बिल्कुल मोटे तौर पे 40 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। अब समझ में आया कि 389 क्यों रखा गया। अब आते हैं बात मुद्दे पर। इन 389 में उस समय की जो सिचुएशन थी 1946 की, उस समय हमारा जो भारत है वो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग था जिसमें ब्रिटेन सीधे डायरेक्टली शासन करती थी और मतलब अंग्रेज सरकार डायरेक्टली शासन करता था, और दूसरा भाग ऐसा था जिसमें राजा महाराजाओं का प्रांत था, ठीक है। अब क्या होता है ये समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्या किया उन्होंने कि 93 उस समय देसी रियासतें थी और 296 जो थी वो ब्रिटेन भारत की थी। अब देखिए ये सीटों का अलॉटमेंट हो रहा है कि कहाँ पे किसको क्या क्या कितनी सीटें दी जाएंगी, ठीक। अब ये जो 296 ब्रिटिश भारत थे जिसमें अंग्रेजी सरकार बिल्कुल डायरेक्ट शासन करती थी उसमें भी डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मुख्य आयुक्त प्रांत 4 दिए गए, बाकी 292 11 गवर्नरों के प्रांत दे दिए गए, ये क्या है। देखिए जैसे आज के ज़माने में होता है ना, हमारे कुछ स्टेट्स होते हैं और कुछ यूटीज़ होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं उसमें मुख्यमंत्री होते हैं और कुछ में क्या होता है राष्ट्रपति शासन करते हैं, सेंट्रल के अधीन होते हैं। तो उस समय भी क्या होता था, 4 ऐसे प्रांत थे जो सीधे कमिश्नर के अंतर्गत आते थे। वो कौन कौन से थे, एक तो हमारा दिल्ली था, एक राजस्थान का अजमेर था, तीसरा जो था वो कुर्ग था कर्नाटक का, और चौथा बलूचिस्तान था। तो ये जो 4 थे वो कमिश्नर के अंतर्गत आते थे, इसलिए इनको बोलते थे मुख्य आयुक्तों के प्रांत। इनकी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आज के ज़माने में हमारे यहाँ यूटीज़ की होती है, केंद्र शासित प्रदेशों की होती है। और 292 जो थे प्रांत उसमें गवर्नर शासन करते थे, तो 292 सीटें जो थी वो 11 गवर्नरों के प्रांतों को अलॉट की गई। 4 जो थे वो हमारे जो कमिश्नर्स के उनके अंतर्गत आते थे। तो इससे इस तरह सीटों का विभाजन किया गया। अब आपको समझ में आया कि सीटों का विभाजन कैसे किया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 39 सीटों का अलॉटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ एक चीज़ और, जुलाई 1946 में चुनाव हुए, ठीक है। और क्या किया, 9 दिसंबर 1946 की अपडेट आ गई। तो जुलाई 1946 में जब चुनाव हुए, अब चुनाव का रिजल्ट भी आएगा, तो जब रिजल्ट आया तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, देखिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं किसी समझना कि जुलाई 1946 में चुनाव हुए उसमें देसी रियासतों ने कहा कि नहीं हम इसमें भाग नहीं लेंगे। बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, आप समझते जाइएगा। चुनाव हुए, देसी रियासतों ने कहा कि हम भाग नहीं लेंगे, तो 296 सीटें बची। अब इन 296 सीटों में से देखिए जब चुनाव हुए तो 208 सीटें किसको मिली, कांग्रेस को मिली, ठीक है, कांग्रेस जीत के लाई। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, ठीक है, मुस्लिम लीग जो अभी आगे चल के संविधान सभा का बहिष्कार करेगी। और 15 सीटें छोटे जो है समूह को मिली, कुछ छोटे समूह भी चुनाव लड़ रहे थे। अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। 293 जो देसी रियासतें थी उन्होंने पूरा बहिष्कार कर दिया, और जो 296 सीटें थी उसमें से 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और 15 अन्य छोटे समूह को मिली, ठीक। अब आती है डेट 9 दिसंबर 1946। ये वह डेट है जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक होनी थी,
ठीक है, संविधान सभा की पहली जब बैठक हुई तो उसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, 207 लोग प्रेजेंट थे। अच्छा, एक चीज़ अब आपके दिमाग में आएगी कि 208 लोग तो ये आए, 73 लोग ये आए, 73 लोग ये आए, लेकिन हस्ताक्षर करने प्रथम अधिवेशन में 207 ही लोग तो आए। तो इसका रीज़न ये है कि मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया था, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग में बहुत सारे लोग जो थे, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, इसका कतई मतलब नहीं है कि मुस्लिम लीग के सभी लोग जो है संविधान सभा का बहिष्कार करेंगे। नहीं, मुस्लिम लीग के कुछ लोग जो है अभी संविधान सभा में रहेंगे, उसकी डिस्कशन हम लोग अभी आगे करेंगे, लेकिन अधिकतर मुस्लिम लीग के लोगों ने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया, इसलिए जितने लोग बचे उनकी संख्या कितनी हो गई, 207। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के डेट आती, देखिए चुनाव हो गया जुलाई अगस्त 1946 में, रिजल्ट भी आ गया, संविधान की पहली बैठक भी हो गई। अच्छा, एक चीज़ और, जब संविधान की पहली बैठक हुई तब जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको बैठक का अस्थाई जो है अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बैठक अस्थाई जो अध्यक्ष चुना गया, वो कैसे, किस प्रकार चुना गया? तो यहाँ पे फ्रांस की तरह इनको चुना गया था कि संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए संविधान सभा का जो पहले अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। अच्छा, अब डेट आती है 11 दिसंबर 1946, ये वो डेट है जब संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है और उनका क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन पूछी जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जी को मनोनीत किया गया था या निर्वाचित किया गया था, उनको अपॉइंट किया गया था कि या उसको उनको प्रमोट किया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी का निर्वाचन हुआ था, बाकायदा जो संविधान सभा थी उसने ऑर्डर निकाले थे, राजेंद्र प्रसाद जी का पहला ही नॉमिनी था, पहला ही उनका फॉर्म आया था, उन्हीं को नॉमिनेट नहीं किया गया था, उनको उनका इलेक्शन हुआ था, उनका निर्वाचन हुआ था, इसलिए 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी ने को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब आती है डेट 13 दिसंबर 1946, देखिए डेट का बहुत महत्व है, 11 को क्या हुआ, चुनाव कब हुए, इलेक्शंस कब हुए, सब आप लोगों ने जान लिया। अब आते हैं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया हमारी संविधान सभा के सामने। ये उद्देश्य प्रस्ताव इस प्रकार था कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारा संविधान भारत के लोगों के लिए क्या क्या कर सकता है, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन जाएगी। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, पर क्या प्रस्तावित किया, पर क्या ये पारित हो गया, नहीं, ये 13 दिसंबर 1946 को पास नहीं हुआ, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि मुस्लिम लीग जो है अभी संविधान सभा का बहिष्कार करे हुए है, तो ऐसा करते हैं कि मुस्लिम लीग को भी आ जाने देते हैं, उनके भी सुझाव देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करेंगे। तो कुल मिला के जनवरी 22 को उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित होता है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप ग्रहण करता है। अच्छा, अब आते हैं हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है। तो आपको अब मैं बहुत एक नॉलेज दे दूं, एक नाम आपने सुना हुआ होगा, डॉक्टर BN राव। ये जो डॉक्टर BN राव है, इन्हें भारतीय संविधान का सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। ये BN राव जो थे, ये पहले ऐसे जज थे जिनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में जो है, ये पहले भारतीय जज थे जो वहाँ पे अपॉइंट हुए थे। तो BN राव ने क्या किया था कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी वो BN राव के द्वारा प्रारूप तैयार जो किया गया था उस पर विचार करने के लिए बनी थी। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी नाम से लग रहा होगा कि ये ड्राफ्ट तैयार कर रही है, नहीं, BN राव ने जो ड्राफ्ट तैयार कर दिया था, जो प्रारूप तैयार कर दिया था संविधान का, उस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कि इस प्रस्ताव पर, इस प्रारूप पर विचार किया जाए और आगे इसको प्रोसीड किया जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, प्रारूप कमेटी बनी थी। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी को पांडुलेखन
समिति भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को और क्या बोलते हैं, तो पांडुलेखन कमेटी भी बोलते हैं। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके कुल मिला के 7 सदस्य थे, जिसमें गोपाला स्वामी अय्यर, अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अच्छा, ये जो मोहम्मद सादुल्ला थे ये मुस्लिम लीग के थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बी एल मित्र रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ एंड डी पी खेतान, टी टी कृष्णम्रचारी। ये कुल मिला के 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिनको प्रस्ताव जो बी एन राव ने पारित किया था उन पर विचार करना था। ठीक है, चलिए ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई, सब कुछ बन गया। अब एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा बता दूँ मैं कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो संविधान सभा है इसमें कुल मिला के 15 महिलाएँ थी, कुल मिला के 15 महिलाएं थी, जिसमें प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें सिर्फ 9 महिलाएं शामिल हुई थी। तो कुल मिला के कितनी महिलाएं थी, 15, लेकिन प्रथम अधिवेशन में कौन सी महिला, कितनी महिलाएं थी, 9। एकमात्र मुस्लिम महिला थी, सिर्फ एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उनका नाम था बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल में एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि भारतीय संविधान सभा की महिला सदस्य थी। अच्छा, दूसरी चीज़ें मैं आपको ये बता दूं कि संविधान के कुल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन अगर अंतिम बैठक को भी जोड़ लिया जाए तो कुल मिला के 12 अधिवेशन होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान के सारा प्रारूप तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। तो जब अब ये क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि 26 नवंबर को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया संविधान लागू हुआ। ऐसा क्यों, आंशिक और पूर्णतया का क्या मतलब है? तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन गया, पूरी तरीके से बन गया, और इस दिन सिर्फ 16 अनुच्छेद लागू किए गए, सिर्फ 16। अच्छा, इसका हमें उल्लेख कहाँ मिलता है, हमारे आर्टिकल नंबर 394। जब 394 आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उन संविधान उन अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है जो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को तो 16 अनुच्छेद लागू किए गए, और 26 जनवरी 1950 में सारे अनुच्छेद लागू किए गए, पूर्णतया हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इधर आधे क्यों, इधर पूरे क्यों, ऐसा क्यों? तो हुआ ये था कि 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 में हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब इस दिन को याद रखने के लिए कि इतिहास में भी हम इसे ध्यान रखें, इसलिए संविधान बन तो 26 जनवरी 1949 को गया था, लेकिन उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। सो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। कितनी महिलाएं शामिल थी 1900 संविधान सभा के गठन में, तो 15 महिलाएं थीं, उसमें से 9 महिलाएं भारतीय संविधान की संविधान सभा में 9 महिलाएं प्रथम अधिवेशन में शामिल हुई थी। अच्छा, हमारे भारतीय संविधान में कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल मिला के 12 अधिवेशन हुए थे अगर अंतिम वाली बैठक को भी मिला लिया जाए। तो ये हमारा जो सेशन था पूरा संविधान सभा पर केंद्रित था। अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं अपने नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड करूँगी, इससे जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उन सभी को इंक्लूड करूँगी। आई होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आइए जुड़िए हमारे साथ, हम पॉलिटी को बहुत इंटरेस्टिंग वे में आगे ले जाएंगे और आपको आपके एम तक पहुँचा कर रहेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने न्यू टॉपिक के साथ। Thank you. Have a nice day.